और अब बेहद अहम खबर, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। भारत और इसराइल के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। भारत सरकार ने इसराइल से 2000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर साइन किए हैं, जिसमें इसराइल भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि LRSAM मुहैया कराएगा। और इस डील के बाद भारत और इसराइल के बीच दोस्ती की एक नई इबारत लिखनी तय है। भारत को इसराइल से मिलेगा जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम। 12000 करोड़ की डिफेंस डील पर साइन। इसराइल ने भारत के साथ करीब 12000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर साइन किए हैं। इसके तहत इसराइल भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इससे दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को 70 किलोमीटर के दायरे में मार गिराया जा सकता है। इसके अलावा इसराइल भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM भी मुहैया कराएगा। इसराइल ने DRDO के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने की बात पर भी सहमति जताई है। इसराइल भारत के टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। बीते 10 साल में $10 बिलियन की डील हासिल करने के अलावा इसराइल ने आखिरी के 2 सालों में हथियारों के 7 कॉन्ट्रैक्ट भारत से हासिल किए हैं। इसके अलावा कई दूसरी बड़ी डील्स भी पाइपलाइन में हैं। इनमें तो इसराइल निर्मित फाल्कन AWACS यानी एयरबोर्न बॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है, जिन्हें रूस निर्मित IL-76 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर लगाया जाना है। इसके अलावा 4 एरोस्टेट रडार और कुछ हमलावर ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। भारतीय सेनाओं के पास इसराइल निर्मित 100 ड्रोन पहले से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो चलिए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि दरअसल रक्षा की प्रणाली क्या है और इससे क्या कुछ फायदा देश को होने जा रहा है। दूसरे देश की मिसाइल को हवा में मार गिराने का एक सिस्टम है, यानी कि बहुत बड़ा कदम है। आधुनिक हथियारों और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल इस मिसाइल में किया जाना है। इस सिस्टम से जो भी शत्रु इसकी मिसाइल को ट्रेस किया जा सकता है, उसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और भारत ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण 2016 में किया था। धनुष मिसाइल ने पल भर में हमलावर मिसाइल को मार गिराया था। भारत ने 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता हासिल की है। तो जल्दी भारत के पास 6000 किलोमीटर तक की क्षमता वाली मिसाइल होगी और भारत के लिए ये मिसाइल एक बहुत जरूरी रक्षा कवच के तौर पर इसके बेड़े में शामिल हो जाएगी। और खासतौर पर हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो आए दिन अपने मिसाइल कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। जैसे मेरे हस्ते हैं